हेलो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ए टू आ और के टू का जिसमें आकार की मात्रा बताए थे आकार का मीनिंग ए हर्षाई कार का आई दीर्घाई कार का डबल ई हर्सऊ का क्या यू दीर्घ कार का डबल ओ ए कार का ई आई कार का ए आई ओ कार का ओ और ओकार का ए यू इसी आधारित पर हम लोग कुछ नेम लिखना सीखेंगे जैसे यहां लिखा हुआ राजा क्या लिखा हुआ राजा तो रा का मीनिंग हम लोग जानते हैं आर और कार का मीनिंग यहां क्या दिया हुआ है ए तो क्या लिखेंगे ए और जे का जा का क्या होता है जे ओके और उसके बाद फिर आकार है तो क्या लिखेंगे ए तो क्या हो गया ये राजा क्या हो गया राजा उसी तरह यहां लिखा हुआ, जा जा हुआ, हुआ? मोनू तो माँ का क्या होता है एम क्या होता है एम और ओ कार है देखिए यहाँ से यहाँ ओ कार तो यहाँ ओ कार ओ कार का क्या है ओ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ओ फिर है यहाँ ए ना क्या है ना तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे एन ना का मीनिंग क्या होता है एन और सऊ हर सऊ का क्या लिखा वहाँ पे यू तो क्या डालेंगे तो यहाँ पे यू तो क्या हो गया ये मोनू उसी तरह रानी तो आर से रा आकार का इ और ना का एन और द्रगाई कार दीर्घाई कार का यहाँ क्या है डबल ई ओके तो यहाँ डबल ई के जगह हम लोग आई भी ले सकते हैं हर सही आई और डबल ई से क्या दोनों का कार हम कर सकते हैं ओके तो यहाँ क्या लिख देंगे आई तो क्या हो गया रानी उसी तरह उसी तरह यहाँ मोहन लिखा हुआ था एम से माँ का एम ओ कार का क्या लिखा हुआ यहाँ पे ओ तो क्या लिखेंगे ओ फिर हा ए, हा है हा का क्या होता है एच और एच के साथ यहाँ पे साइलेंट लिखा हुआ साइलेंट क्या छुपा हुआ ए मोहन हा तो देखिए ये ए लिखेंगे साइलेंट था ये तो यहाँ ए लिख दिए उसको क्या ना तो ना का क्या होता है एन उसी तरह यहाँ गौरव है तो जी से गा और आओ का यहाँ क्या दिया हुआ है ए यू यहाँ क्या डालेंगे ए यू वार से रा फिर गौरव फिर यहाँ क्या ए क्या है साइलेंट है फिर फिर से हुआ इस तरह हम लोग ने नेम लिखना सीखा आगे के नेम बच्चों आप लोग घर पे खुद से लिख के यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे